न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म ठीक है प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल वाटर एंड CO2 ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि फोटो मीन्स क्या होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है कंबाइनिंग ठीक है। तो लाइट के कंबाइन होने के बाद ही फूड बनेगा ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस टाइप के प्रोसेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और एक और बात है बहुत थोड़ा सा नया है इसमें क्या पता हो या ना हो सुन लीजिए आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाते हैं उसे प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ दिस दोज ऑर्गेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दोज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड देमसेल्फ ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हों खुद से प्रोड्यूस करते हों और उस फूड पे अलग अलग और मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल्स या ह्यूमंस डिपेंड हो ठीक है। तो हम लोग डिपेंड हैं उस पे तो हम लोग क्या हो गए कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स कंज्यूम करना ठीक है। तो हम कंज्यूमर क्या है प्रोड्यूसर पे डिपेंड है मतलब प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं ना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। एनिमल्स जो भी होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। और प्रोड्यूसर क्यों कह रहे हैं उसको बिकॉज इट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ बताया मैंने अभी ठीक है। तो यही चीज है इसको एक रिएक्शन में दिया गया है देखिए यहाँ पे CO2 H2O फिर क्या बनाता है ग्लूकोज एंड देन ऑक्सीजन को रिलीज करता है। कभी भी जब एरो ऐसे लगा हो ऊपर की साइड इसका मतलब होता है कि ये यहां से ऑक्सीजन या कोई भी चीज मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो ऑक्सीजन कह रहे हैं कहीं भी जाएंगे लैब वगैरह में कुछ वर्क करेंगे तो वहां से जो भी गैस वगैरह निकल रहा होगा तो वहां भी क्या होगा बनाएंगे रिएक्शन तो वहां भी ऐसे एरो लगाएंगे ऊपर की तरफ। बट अगर किसी चीज में कोई चीज एब्जॉर्ब होता है ठीक है जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है हम लोग एटमोसफियर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं ना तो बाहर से जब ले रहे हैं अंदर की तरफ तो यहाँ पे क्या होगा एरो ऐसे लगता है नीचे की तरफ ठीक है ऐसे लगता है एरो। और जब कुछ निकल रहा होता है किसी चीज से तो एरो क्या होता है इस टाइप का लगता है ठीक है। ये दो चीज आपको समझना पड़ेगा। तो 6 CO2 CO2 कहाँ से ले रहा है बच्चों इन्वायरमेंट से ले रहा है ठीक है। CO2 कौन निकालता है हम लोग निकालते हैं ना ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। H2O कहाँ से लेगा सॉयल से लेगा। सॉयल से H2O कैसे लेता है कौन एब्जॉर्ब करता है सॉयल से H2O तो रूट पता होगा आप लोगों को बट रूट में बहुत सारे पार्ट होते हैं। रूट मेन रूट होता है रूट कैप होता है प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट टर्सरी रूट ठीक है बहुत सारे रूट होते हैं। लेकिन रूट जो होता है रूट हेयर जो होता है ना वही एब्जॉर्ब करने का काम करता है। रूट हेयर विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो H2O हो गया। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये दोनों अगर ना हो तो क्या होगा फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब देखिए 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल जब भी एरो के ऊपर या नीचे कुछ लिखा हो इसका मतलब ये होता है कि उसके प्रेजेंस में काम हो रहा है ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस 6CO2 क्या होता है रिलीज होता है किसके लिए एनिमल्स के लिए ह्यूमंस के लिए। अब देखते हैं मेन इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन कौन सी मेन घटनाएं होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इंटर इनटू द लीफ थ्रू स्टोमेटा। CO2 क्या होता है एटमॉस्फेयर से इंटर करता है लीफ में किसके हेल्प से स्टोमेटा के हेल्प से ठीक है। और मैंने आप लोगों को स्टोमेटा का फिगर बना के बताया था ना देखिए ये होता है स्टोमेटा बुक में दिया हुआ है लेकिन इतना सारा उसको लेबल नहीं किया है तो देख लीजिए आप लोग नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। ये होता है गॉड सेल। गॉड सेल हेल्प इन द रेगुलेटिंग ऑफ द क्या स्टोमेटल पोर ठीक है ओपन एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है गॉड सेल जो होता है। गॉड सेल में क्या होते हैं वैक्यूल्स न्यूक्लियस होता है क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक है। तो ये होता है स्टोमेटल पोर गॉड सेल। अब गॉड सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है ये करता है ये सब्सिडरी सेल कहते हैं क्या कहते हैं सब्सिडरी सेल ठीक है। तो स्टोमेटा के हेल्प से क्या होता है स्टोमेटा के हेल्प से क्या होता है CO2 एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर से। वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स एंड सेंट टू द लीव्स बाय जाइलम एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द मेसोफिल सेल। अभी बताया मैंने ना कि सॉइल से क्या होता है रूट सॉइल से रूट जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर के द्वारा
और जाइलम के हेल्प से पूरे प्लांट में ट्रांसफर करता है। बच्चों जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम उसका भी मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे ये जो होता है जाइलम होता है, ये जो होता है फ्लोएम होता है। जाइलम हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। जाइलम जो होता है, जाइलम हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, एंड फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू रूट। और जाइलम फ्लोएम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। देख लीजिए, फिगर भी आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा इसका, ठीक है, ये चीज है। और जाइलम फ्लोएम आर सेपरेटेड बाय द कैम्बियम रिंग, ठीक है। तो यही होता है आपका, जाइलम ट्रांसफर द वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसफर द फूड। देखिए सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। सनलाइट क्या होता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने की वजह से ही एब्जॉर्ब होता है लीफ में। सोलर एनर्जी कॉज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। व्हाट डू मीन्स ऑफ फोटोलाइसिस? फोटोलाइसिस मीन्स क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ H2O, है ना, ब्रेकिंग ऑफ H2O इज नोन एज फोटोलाइसिस। देखिए यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है बच्चों, H2O टूट रहा है किसमें? किसमें? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। तो H2O ब्रेक इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या H2O ब्रेकिंग ऑफ H2O इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर कंबाइनिंग विद CO2। जो हाइड्रोजन आयन वाटर से टूटा हुआ है, जो यहाँ पे H2O टूट रहा है हाइड्रोजन बना रहा है, वह हाइड्रोजन कहाँ कंबाइन होता है? CO2 के साथ, एंड फॉर्म ग्लूकोज द सिंपल सुगर। और क्या बनाता है यहाँ पे? देखिए C तो है ही, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन नहीं है बस CO2 के पास। तो यहाँ से H2O टूटता है, तो यह हाइड्रोजन आके इसके साथ जुट जाता है और क्या बनाता है? C6H12O6, जो ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है? सिंपल सुगर होता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस इज गिवन आउट द इनटू एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन क्या होता है? वह प्लांट जो होता है प्रोड्यूस करता है। मैंने अभी बताया यहाँ पे, देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोसेस इन गिवन आउट इज गिवन आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट के फॉर्म में जिससे हम यूज करते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूटिलाइजेबल केमिकल्स एनर्जी एंड स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द यूटिलाइजेबल केमिकल एनर्जी। बता दें आपको हम आज कि जो सोलर एनर्जी, सन के द्वारा जो सोलर एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी को प्लांट जो होता है वह डायरेक्ट यूज नहीं करता है बच्चों, उसको अपने यूटिलाइज करने के अनुसार, ठीक है ना, अपने मतलब उसको यूज कर सके उसके लिए वह केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, एंड देन वह अपना फूड बनाता है। और फिर क्या फूड बनाता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड इज स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या होता है? एनर्जी के फॉर्म में, सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यूज करता है। एंड स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन एंड फैट आर आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या है, एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब एनर्जी यूज करते हैं तो एनर्जी लेते हैं तभी तो यूज करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, और भी कुछ फूड के फॉर्म में लेते हैं, वाटर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो एनर्जी यूज करना होता है वह कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है उसको क्या करते हैं? ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, कि हम जब एनर्जी नहीं मिल सके हमको जिस टाइम, उस टाइम वह ATP जो है उसको हम यूज कर सके एनर्जी के फॉर्म में। सेम उसी तरह प्लांट में भी होता है, जितना ग्लूकोज यूज करना है फूड के फॉर्म में कर लिया, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, मान लीजिए कंटिन्यू धूप हो रहा है, फूड बना रहा है, ठीक है, तो फूड बना रहा है तो उसको जितना यूज करना है कर लिया, और जो एक्स्ट्रा फूड हो रहा है उस एक्स्ट्रा फूड को वह स्टोर कर लेता है किस फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म में, ठीक है। तभी तो मान लीजिए फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, तो वह फ्रूट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, फिर बड़े साइज के होते हैं, तो वही स्टार्च आके उसमें स्टोर होता रहता है, ठीक है। तो स्टार्च जो होते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ऐसा में स्टार्च क्या होता है? ये स्टार्च क्या है? वह एक्स्ट्रा फूड है जो स्टोर होता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। अब देखो बच्चे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या इम्पोर्टेंस है इसका? फोटोसिंथेसिस इज द वनली प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सन एनर्जी इनटू फूड फॉर ऑल लिविंग बीइंग। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
तो क्या लिविंग बीइंग उसको फूड के फॉर्म में ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो लिविंग बीइंग को सर्वाइव करने के लिए फूड बनना बहुत जरूरी है। फूड कैसे बनेगा? अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कि लिविंग बीइंग जो होते हैं वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। और प्लांट स्वस्थ कब होंगे? जब वह खुद से अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक, सेकंड देखिए, फोटोसिंथेसिस इज द वनली नेचुरल प्रोसेस। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल कभी नहीं हो सकता है कि हम टॉर्च जला के कहते हैं कि प्लांट फूड बनाए, तो ये कहीं पॉसिबल नहीं है। वह क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही फूड बनेगा। ठंडी के टाइम में हम देखते हैं कि सनलाइट कम होता है तो उतना अच्छे से फूड नहीं बना पाता है, प्लांट थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में हो जाता है। और गर्मी में लाइट सनलाइट अच्छे से होता है, धूप होता है, तो प्लांट भी खिले खिले से रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नेचुरल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन टू द एटमोसफियर। फूड बनाएगा और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में निकालेगा जिससे हम यूज करेंगे। एंड ऑक्सीजन इज ए नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें अर्थ पे रहने के लिए ऑक्सीजन काफी आवश्यकता है। विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव हम नहीं कर पाएंगे। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वाज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर अगो। आप लोगों को बता दें हम फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है? जो भी प्लांट वगैरह होते हैं, मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है, भूकंप कुछ भी ऐसा, तो जमीन क्या होता है? पलट जाता है धरती कहीं कहीं। जो भी प्लांट्स होते हैं उसके अपर लेयर पे वो चले जाते हैं नीचे और लाखों मिलियंस ईयर तक वहीं दबे रहते हैं। तो वही क्या होते हैं? कुछ टाइम बाद जो होते हैं आफ्टर केमिकल चेंजिंग, उसमें क्या होता है? वो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ भी प्लांट्स बहुत आवश्यक है, अगर ना हो तो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस हेल्प कीप CO2 कंसेंट्रेशन इन द एटमोसफियर, कॉन्स्टेंट CO2 बीइंग रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे एरिया में प्लांट्स हैं लेकिन बहुत कम है और ह्यूमंस बहुत ज्यादा हैं, एनिमल्स बहुत ज्यादा हैं, जब हम CO2 कंटिन्यू निकालते रहेंगे तो क्या होगा? वह CO2 इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाएगा और प्लांट तो कम है, उस CO2 को एब्जॉर्ब कम कर पाएंगे। अब जब CO2 को एब्जॉर्ब कम करेंगे तो वह CO2 कहाँ जाएगा? इन्वायरमेंट में जाएगा। और जब CO2 इन्वायरमेंट में जाता है तो क्या होता है? इन्वायरमेंट वार्म होता है, गर्म होता है, और उसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। एक्सेस ऑफ CO2 इन आवर एनवायरनमेंट एंड इज नोन एज अ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, एंड क्या होता है? एनवायरनमेंट इज वार्म, एक्सेस ऑफ CO2 इन द एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट इज वार्म इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो वही होता है। इस नाते CO2 कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए प्लांट का भी नॉर्मल मतलब ज्यादा होना जरूरी है ह्यूमन पॉपुलेशन के अनुसार। अब देखते हैं लीफ ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कैसे होता है। लीफ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है बच्चों कि लीफ का सरफेस एरिया कैसा है, लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा है या कम है। अगर लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा है तो वह फूड ज्यादा बनाएगा और कम है तो फूड कम बनाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे बहुत सारे प्लांट में कि लीफ का, जिस प्लांट में लीफ के साइज बड़े होते हैं उस प्लांट में लीफ का नंबर कम होता है, और जिस प्लांट में लीफ का नंबर ज्यादा होता है उसमें लीफ का साइज कम होता है। ठीक है, तो ये जो लीफ का साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्यादा सनलाइट इस पे आएगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फूड क्या होगा? ज्यादा बनाएगा, वो अपने पूरे पार्ट्स को आसानी से भेज सकता है। लेकिन जिसमें लीफ का नंबर ज्यादा होता है उसमें लीफ का साइज छोटा होता है। देखिए जैसे केला का, देखिए पौधा, केले के पौधे में क्या होता है कि लीफ का साइज बड़ा होता है लेकिन लीफ का नंबर कम होता है ना। ठीक है, तो क्या वो फूड नहीं मेंटेन कर पाता है अपना? फूड मेंटेन कर लेता है बिकॉज साइज ऑफ लीफ इज अ वेरी लार्ज एंड प्रिपेयर अ फूड इज अ मैक्सिमम। ठीक है, तो यही होता है, लीफ के साइज पे भी डिपेंड करता है। लीफ अरेंजमेंट कैसा है? अब लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, मान लीजिए अलग अलग प्लांट में लीफ का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अपोजिट पोर्शन पे है, इसमें क्या है ब्रांचेड एरिया में, इसमें क्या है बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है, और किसी किसी में क्या होता है बिल्कुल इस टाइप का होता है। जब राइट एंगल पे होगा तो जो सनलाइट होगा वो डायरेक्ट कहाँ पड़ेगा? लीफ पे पड़ेगा। और जब ज्यादा लीफ पे सनलाइट पड़ेगा तो ज्यादा फूड बनाएगा ना, तो अपने पूरे प्लांट को ट्रांसफर कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इन मेसोफिल, मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए दो सेल के बीच में क्या है, स्पेस है। जब दो सेल के बीच में स्पेस होगा तो उसे क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर स्पेस। और जब दो सेल के बीच में स्पेस होता है तो उस स्पेस में गैस भर जाता है, और जब मतलब वही CO2 या ऑक्सीजन, जब गैस भर जाएगा तो क्या होगा, वह जो सेल होगा वह हल्का सा प्लांट होगा या लीफ होगा या जो भी होगा वह स्पॉन्जी हो जाएगा,
ठीक है, तो उसी बेस पे उसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल भी कहते हैं। और मान लीजिए किसी किस्म क्या होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, उसका मतलब कि वह सेल क्या है, बहुत पास पास है। जब सेल बहुत पास पास होगा, दो दो सेल के बीच में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होगा, और जब स्पेस नहीं होगा तो उसमें गैस नहीं भरेगा, वह क्या होगा, सॉलिड होगा। उसी बेस पे यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कुछ होता है। देखिए, लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस एमंग स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल हेल्प इन द इजी डिफ्यूजन ऑफ CO2 टू एवरी सेल। जब सेल के बीच में जगह हो तो आसानी से वह डिफ्यूजन कर सकता है। देखिए, अभी बताया मैंने प्रेजेंस ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा इमेजोफिल। पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल आर डेंसली पैक्ड, बहुत ही पास पास होता है, एंड थीन सेल होता है विथ मैनी क्लोरोप्लास्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ज्यादा मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। थिननेस ऑफ लीफ, लीफ के थिननेस पे भी डिपेंड करता है, थिक है या थिन है। इट इनहेंस द रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल। अगर थिक होगा तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा जो भी फूड होगा या वाटर होगा, अगर थिन होगा तो आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा हेल्प इन द गैस एक्सचेंज, बट स्टोमेटा आर ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लिप सर्फेस बाई द सन इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा हैव टू फंक्शन, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट दीज आर कंसंट्रेटेड इन द सेल ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा इन मेजोफिल लेयर्स जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, अपर एपिडर्मिस के पास होता है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस सब बताया मैंने, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रांसलेक्शन ऑफ लीफ है, ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस के नीचे होता है जिससे वह मैक्सिमम मात्रा में उसको लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेंस, वेन का नेटवर्क क्या होता है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू वगैरह होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसको, फूड को, वाटर को और मिनरल्स को। ठीक है, ये था आप लोग का क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए, तैयार करिए, बिना तैयार किए कुछ नहीं।